साल था 1739। एक लुटेरा नासिर कुली खान उर्फ नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ रहा था। इसकी सूचना जब दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को दी गई तो उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन दिल्ली दूर नहीं थी। नादिर शाह ने लाहौर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। लाहौर हार जाने के बाद जब मोहम्मद शाह को पता चली तो उन्होंने युद्ध परिषद की एक बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि दिल्ली की बजाय करनाल जाकर नादिर शाह को रोका जाएगा। मोहम्मद शाह ने अपने सभी बड़े सरदारों और सेनापतियों को उनकी फौज के साथ दिल्ली बुलाया, जिसमें कि सादात खान और निजामुल मुल्क उनके सबसे बड़े सेनापति थे। मुगलों के पास लगभग 3 लाख की फौज थी और वो करनाल की तरफ चल पड़े। मुगलों के पास वैसे तो बड़ी सेना थी, लेकिन सेना में अनुशासन और नेतृत्व की भारी कमी थी। 24 फरवरी की सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो नादिर शाह ने केवल 3 घंटे में ही इस युद्ध को जीत लिया। कारण था मुगलों के दो बड़े सेनापति सादात खान और निजामुल मुल्क के बीच की आपसी रंजिश। युद्ध जीतने के बाद नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया।